जेल में बंद भदौई के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा पर रेप का मामला दर्ज किया गया है। वाराणसी की एक महिला ने विधायक पर 2014 से लेकर 2016 तक ब्लैकमेल और डरा धमकाकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। गोपीगंज थाने में विधायक विजय मिश्रा के ऊपर धारा 376D, 342 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। महिला का आरोप है कि विजय मिश्रा के यहाँ एक गायन कार्यक्रम के लिए वह गई थी, उस दौरान उसके साथ शारीरिक यौन शोषण किया गया। मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद धमकी देकर कई बार महिला के साथ रेप किया गया। महिला ने कहा कि जरूरी काम कहकर उसे 2015 में भी इलाहाबाद में उन्होंने डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहा था। जब वह गई तो उसके साथ फिर रेप हुआ और उसके बाद वीडियो क्लिप के जरिए उसे ब्लैकमेल किया गया। साथ ही महिला ने विधायक के बेटों पर भी रेप का आरोप लगाया। उसने बताया कि वाराणसी छोड़ने ले जाते समय विधायक के बेटे विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा ने भी उसके साथ रेप किया। पीड़िता के मुताबिक उसने व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भी FIR में लगाए हैं। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की पत्नी MLC रामलली मिश्रा पर भी केस दर्ज हैं और फिलहाल वह हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। विधायक के बेटे विष्णु मिश्रा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। भदौही के गोपीगंज थाने में विष्णु मिश्रा पर कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि अब वह जल्द ही इस मामले में कोर्ट से आदेश लेकर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई करेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।